नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। आज मुनि अमावस्या है, इसे आत्मिक शुद्धि, गृह बाधा तथा पितृ शांति का पर्व माना जाता है। साथ ही मुनि अमावस्या पर शनि पूजा करने से साढ़े साथी की दशा भी दूर हो जाती है। आज के दिन का कैसा ले लाभ, ये जानेंगे हम कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। मुनि अमावस्या पर रहे मौन, दान पुण्य से मिलेगा लाभ। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मौनी अमावस्या का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, महीना चल रहा है माघ का और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। मंगलवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, योग है हर्षण, करण है चतुष्पाद और आज जो व्रत पर्व और त्योहार पड़ रहा है, जो मनाया जाना है, वह है मौनी अमावस्या। और आज जो अमावस्या का संयोग है वो भी बहुत अच्छा है। मौनी अमावस्या का जो संयोग बन रहा है मंगलवार के दिन, जिसे भौमवती अमावस्या कहते हैं, तो मंगलवार के दिन अमावस्या का संयोग ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है, दुर्लभ संयोग है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या का पर्व इसे बहुत ही विशेष बना देता है। तो आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन का लाभ लेने के लिए राशियों के मुताबिक क्या उपाय किए जाएं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में तीर्थ में स्नान करने के उपरांत किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को उसकी सेवा करनी चाहिए और किसी वृद्ध आश्रम में या यथासंभव आप किसी स्थान पर कहीं दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप ऐसा करें तो आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको विशेष लक्ष्मी नारायण का मंत्र देता हूं। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है ओम रिंग श्रिंग लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप आप आज अवश्य करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज की तिथि का लाभ कैसे लें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी तीर्थ में स्नान करने के बाद इस महामोक्ष कारक पर्व का लाभ लेने हेतु कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिससे आपकी समस्त मनोवांछित अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं। और उसके साथ साथ भगवान विष्णु का विशेष मंत्र जो आपको देता हूं, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। यह मंत्र है ओम गोपालाय ऊर्ध्वजाताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और किस तरीके से आज पूजा अर्चना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी तीर्थ में या आपके घर के आसपास आपके अपने शहर में जो भी पवित्र कुंड सरोवर हो वहां पर आपको स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के उपरांत परिवार के साथ अपने जो परिवार में वृद्धजन है उनकी आप सेवा करें, तीर्थ का लाभ लें और किसी ब्राह्मण व्यक्ति को, ब्राह्मण बालक को अपने घर आपको आमंत्रित करना चाहिए, जिसे बटुक कहते हैं, उनको आप अपने घर आमंत्रित करके विधिवत अन्न वस्त्र धन और उसके साथ साथ अध्ययन सामग्री का दान अगर आप अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए आपके लिए जो विशेष मंत्र है इसका आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर या तुलसी की माला पर 108 बार अवश्य करें। अब आ रही है कर्क राशि की। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज की तिथि में क्या उपाय करें।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्नान के उपरांत गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, यानी गौ माता की सेवा आप अपनी तरफ से करें और असहाय व्यक्ति को हरी चीजों का दान, विशेषकर हरी सब्जियों का, पत्ती वाली सब्जियों का दान करना आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और आपके लिए जो विशेष मंत्र बताता हूँ इसे ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग करिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार आज की दिनचर्या में जाप अवश्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातक मोनी अमावस्या पर क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी तीर्थ में स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कर लेने के बाद यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार आपके लिए आज की तिथि में शिव जी की पूजा भी बहुत ज़्यादा लाभकारी और प्रभावशाली रह सकती है। इसके अलावा आपके लिए जो विशेष मंत्र है यह है ओम क्लिंग ब्राह्मणे जगत धाराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज के लिए क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से आज वो महा उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को किसी तीर्थ में स्नान करने के उपरांत 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज कराना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। इसके साथ साथ यथासंभव आपको गणपति भगवान का पूजन भी करना चाहिए जिससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके लिए जो विशेष मंत्र है यह ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना जीवन की हर अभिलाषा को पूरा कर सकता है। अब एक कॉलर इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जुड़ गए हैं। दीपक अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम जी, नमस्कार, बताइए। पंडित जी 24 जनवरी 1984 को मेरा जन्मतिथि है। सुबह जो है 5 बजे के लगभग में, 5:30 के लगभग में, यही कंफर्म नहीं है। और सर पंडित जी तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब रहती है और आगे भविष्य मेरा कैसे रहेगा यही जानना चाह रहे जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में शनि और मंगल का एक ऐसा योग बन रहा है जिसने आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रखा है। अगर इस समय में आप शनि मंगल का निदान नहीं कराएंगे तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अनुसार आपको भगवान विष्णु की नियमित पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी और जीवन में आगे बढ़ने के उत्थान के मार्ग जो है आपके लिए प्रशस्त होंगे। और इलाहाबाद से ही एक और कॉलर दिलीप हमारे से जुड़ गए हैं। दिलीप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम जी, नमस्कार, बताइए। मैं अपनी बस्ती घर पूछना चाहता हूँ जी। बिल्कुल बताए। 27/8/2008 बुधवार जी। 27/8/2008 जी बिल्कुल बुधवार का दिन, समय क्या है? सुबह 5 बजे। मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में, इसके क्या करेगी पड़े, इसे आगे बढ़ कैसा रहेगा जी? बिल्कुल, देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। बृहस्पति देवता इनकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्येश भी हैं, तो ये संयोग बहुत अच्छा है। इस समय में इनकी कुंडली के अनुसार ये बहुत अच्छा संयोग चल रहा है। इस बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छा होगा, इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी और आगे चल करके ये किसी उच्च पद को सुशोभित करने वाली स्थिति में आएंगी। इनकी कुंडली ये दिखाती है कि सरकारी नौकरी और उसमें भी कोई अच्छा, इनको कोई योग्य स्थान मिल जाए, ऐसे संयोग इनकी कुंडली के हिसाब से बनते हैं। अब एक कॉलर चुरू से मैसेज जुड़ गए हैं, नंदकिशोर जुड़ गए हैं। नंदकिशोर अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/11/1986 है, दोपहर 1:30 बजे, झुंझुनू राजस्थान से। जी सर मेरा सवाल है करियर से लेकर कहीं जॉब नहीं लग रही जी, लगती है तो ज्यादा दिन तक उसमें सस्ते नहीं रह पाते जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बहुत मन से पूरे नियम से करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय है, इस समय को आपको जाने नहीं देना है। ये आपके लिए शुक्र की महादशा का समय है और आपने नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न किया। शुक्र आपके लिए आपकी कुंडली में 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव जो होता है वो करियर का हाउस होता है जिसे कर्म का स्थान कहते हैं। तो आप अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो कह सकता हूँ कि आपको अपने करियर में जो भी अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है।
और शाहजहांपुर से अब एक कॉलर अमित जुड़ गए हैं। अमित अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1985 22 सितंबर। जी। और सर मेरी सुबह रविवार का दिन था जी, 10:20 टाइम है मेरा जी। सर मेरा टाइम ही नहीं कुछ सही चल रहा है, कोई भी काम सही से नहीं होता है, कोई भी काम होता है तो बिगड़ जाता है। देखिए आपकी जन पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा देवता जो है आपकी कुंडली में वो दसवें भाव के स्वामी हैं। ये योग तो अच्छा है लेकिन केंद्र में राहु केतु का होना, लग्न में राहु केतु का होना ये बहुत अच्छा संयोग नहीं होता। केतु आपकी कुंडली में पहले भाव में है और राहु जो है वो सातवें भाव में है, तो ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे योग हैं जिसने आपकी कुंडली को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है। आपकी कुंडली जो है वह शनि से ज़्यादा प्रभावित है, तो वर्तमान समय में आपको महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि महादेव शिव की पूजा आराधना करने से चंद्रमा का दोष तो स्वतः ही दूर हो जाएगा, शनि और राहु केतु जनित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका आप बहुत आसानी से निदान कर सकते हैं। तो महादेव की पूजा आराधना करें, रोज की अपनी नियमित दिनचर्या में महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आपको करना चाहिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन और आज के दिन वो क्या उपाय करें क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज का दिन का लाभ यदि लेना है तो आपको करना ये चाहिए कि आप सबसे पहले किसी तीर्थ में स्नान करें। अगर आप किसी तीर्थ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं सभी राशि के जातक लोग, तो आप कर ये सकते हैं कि अपने घर के, जब आप घर में स्नान करते हैं तो घर में स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और एक चम्मच काला तिल डाल करके अपने घर में ही स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के उपरांत किसी ब्राह्मण दंपति को आप अपने घर में उनको इनवाइट करें, उनको आमंत्रित करें और यथासंभव यथा सामर्थ्य आप उनको अन्न वस्त्र और धन का दान करें। उसके साथ साथ ब्राह्मण महिला को आपको सुहाग सामग्री का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। संध्या काल में लक्ष्मी जी का पूजन तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा आज। इसके अलावा आपके लिए जो विशेष मंत्र मैं देता हूँ इसका जाप आप आज जरूर करिए, यह है ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले मौनी अमावस्या का लाभ कैसे लें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज के दिनचर्या में स्नानोपरांत यदि संभव हो सके तो व्रत करना चाहिए। एक समय आप व्रत करें, एक समय भोजन करें और भोजन में फलाहार और नमक रहित पदार्थ ही ग्रहण करना चाहिए यदि आप व्रत का संकल्प करते हैं तो। और व्रत करने के उपरांत किसी क्षत्रिय व्यक्ति को आप यथासंभव यथा सामर्थ्य दान देकर के प्रसन्न करें, उसका आशीर्वाद लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ओम नारायणाय सूर सिंहाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके जीवन के कई प्रकार के कष्टों और दुखों को दूर कर सकता है। अब बारी है धनु राशि की, जान लेते हैं धनु राशि वाले मौनी अमावस्या का पर क्या उपाय करें। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्नानोपरांत किसी योग्य आचार्य अथवा कुल गुरु की विधिवत पूजा अर्चना करके उसके उपरांत अन्न धन इत्यादि का दान देना चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपके लिए जो विशेष मंत्र होगा आज की दिनचर्या के लिए वह है ओम देव कृष्णाय ऊर्ध्व दानताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों को मौनी अमावस्या पर पूजा कैसे करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्नानोपरांत किसी शूद्र या सात काम करने वाले किसी कर्मचारी को अथवा दरिद्र नारायण को यथासंभव यथा सामर्थ्य दान इत्यादि देना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। आज के लिए आपका जो विशेष मंत्र होगा वो है ओम श्री वात्सलाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको भगवान श्री हरि की कृपा बहुत आसानी से दिला सकता है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले मौनी अमावस्या पर क्या खास उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को स्नानोपरांत किसी अपंग असहाय अथवा पशु पक्षी आदि के लिए आपको कहीं दान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और कठोर से कठोर ग्रह बाधा से
इस उपाय को करने से मुक्ति मिल जाती है और आपकी जो भी आकांक्षाएं हो वह आपकी पूरी हो जाती हैं। तो आपका सबसे पहला ध्यान ये रहना चाहिए कि असहाय व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को आपको दान करना है। पशु पक्षियों के लिए आप खुले स्थान में कहीं थोड़ा सा अन्न या उनके भोजन की व्यवस्था कर दें, कहीं गौशाला में आप कुछ अन्न इत्यादि दान करके आए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आज की तिथि का लाभ लेने के लिए आपकी राशि अनुसार जो विशेष मंत्र है वह है ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले मौनी अमावस्या पर क्या खास उपाय करें और कैसे करें आज पूजा अर्चना। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में शुभ स्नानोपरांत विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण भगवान की यदि आप कथा करा सकते हैं अपने घर में तो वो आपको कराना चाहिए। ब्राह्मण से या आचार्य इत्यादि की सेवा यदि आज आप करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और धार्मिक पुस्तकों का दान करना, धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपके लिए जो विशेष मंत्र है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, यह है ओम क्लिंग उदिताय उद्धारणे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ध्यान से सुनिए आज की तिथि का क्या महात्म है और किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। आत्मिक शुद्धि व ग्रह बाधा तथा पितृ शांति का पर्व है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर शनि पूजा करने से आपकी जो साढ़े साती है वो आपसे दूर भाग जाती है। शनिदेव जो है वो रुष्ट नहीं रह जाते, वो आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। जी हाँ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को माघी अमावस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करने का विधान है, लेकिन अगर आज मैं मौन हो गया तो आपको आवश्यक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो इस वजह से आप एकाग्रचित्त होकर के मौन व्रत धारण करके जो विधान, जो महात्मा बताता हूँ वो सुनिए। मैं ये सारा विधान आपके लिए कहता हूँ। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान या किसी भी तीर्थ में स्नान के उपरांत दान इत्यादि का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। मौनी अमावस्या का के महत्व को आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 में हुए पिछले कुंभ में मौनी अमावस्या पर 315 करोड़ श्रद्धालुओं ने तीर्थ में स्नान किया था। इस दिन सूर्य और चंद्र मकर राशि में स्थान ग्रहण करते हैं। इस पवित्र दिन को मौन व्रत रख करके सम्मान दिया जाता है। मौन व्रत वाणी सहित अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए भगवान नारायण की उपासना करने का, सेवा करने का एक प्रतीक होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मौन रहना आत्मिक शुद्धि करने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका बताया गया है। मौनी अमावस्या को गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान विष्णु का ध्यान, जप, तर्पण इत्यादि करते हैं। श्रद्धालुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जैसी सांसारिक तृष्णा में ना फंस करके संतों और जरूरतमंद लोगों को दान इत्यादि देंगे और मौन व्रत का पालन करेंगे। ऐसा करने से हम अपने कार्मिक बंधनों से मुक्ति पा करके परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जिससे ये लोक और परलोक दोनों ही हमें प्राप्त हो सकता है। हमारी धार्मिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान करने की अपार महिमा बताई गई है। मौनी अमावस्या के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके तिल के लड्डू, आंवला तथा कंबल आदि का दान करना सबसे ज़्यादा उत्तम और श्रेयस्कर बताया गया है। साथ ही साथ साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें अग्नि दान का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आप कहीं पर एक सामूहिक स्थान में उनके लिए अग्नि जला करके या उसकी व्यवस्था आप करा दें, जिससे वो अग्नि का सेवन कर सकें। उनके शरीर को अग्नि का सेवन होगा, उसको फायदा मिलेगा, उनके शरीर को लाभ मिलेगा, तो निश्चित ही उसका फायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये ऋतु का ऐसा समय होता है। इस समय में अग्नि दान का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आज की तिथि में गुड़ में काला तिल मिलाकर के लड्डू बनाना चाहिए तथा उसे लाल वस्त्र में बांध करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। स्नान दान के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध आदि करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, क्योंकि अमावस्या तो तिथि ही श्राद्ध इत्यादि के लिए सबसे उचित, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आइए जानते हैं कि इस अमावस्या का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में क्या मिलता है।
भविष्य पुराण के अनुसार अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन दान और तर्पण आदि करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। जो पुरुष अमावस्या को पितृ तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, उनके घर पर लक्ष्मी और सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं रहती। माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करने से साढ़े साती से ग्रस्त जातकों की समस्या दूर हो जाती है। इस दिन तीर्थ अथवा पवित्र नदी में स्नान ध्यान व शनिदेव का पूजन अर्चना करना बहुत अच्छा लाभ देता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार साढ़े साती के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को अनेक मुसीबतें उठानी पड़ी थी। राजपाट छिन जाने के बाद चोरी का आरोप भी उन पर लगा और कोल्हू के घर पर कोल्हू खींचने का काम तक उन्हें करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके हाथ और पैर भी कटवा दिए गए। उनकी विपदा देख करके एक मुनिवर ने उन्हें कहा कि शनिदेव की साढ़े साती का ये प्रभाव है, इसे दूर करने के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, उसमें आपको तीर्थ में स्नान करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए और उसके उपरांत शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और राजा दशरथ द्वारा रचित दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विक्रमादित्य ने शनिदेव का तेल से अभिषेक करके तिल, उड़द, अक्षत, लोहा इत्यादि का दान किया और शनि स्त्रोत का पाठ किया। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के राजा को राजपाट लौटाया और वरदान दिया कि वो जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या पर जप, तप, दान इत्यादि करेगा, उस पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। मौनी अमावस्या को स्नान से पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। पुराणों में धरती का सबसे पहला मनुष्य मनु देव को बताया गया है। इनका जन्म माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हुआ था। माना जाता है कि मनाली ही वह स्थान है जहां से मनु ने मनुष्य की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, इसलिए मनाली में इनका जन्मदिवस धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। सृष्टि के प्रथम मनुष्य का जन्मदिवस प्रत्येक मनुष्य के लिए आदरणीय है, तो इस कारण से जाने अनजाने हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकल जाए, किसी का अपमान ना हो जाए, इसलिए इस स्थिति में मौन धारण करने की बात हमारे धर्मशास्त्रों में कही जाती है। बहुत से लोग इस दिन से कम बोलने की भी शपथ लेते हैं। जो लोग पूरे दिन मौन नहीं रह सकते, उन्हें प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके कुछ बोलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करके मनु महाराज का ध्यान करना चाहिए। मौनी अमावस्या को गंगा, यमुना एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का हमारे धर्मशास्त्रों में महात्म मिलता है। स्थिति में सभी नदियों, सरोवरों एवं तालाब का पानी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, तो आपके घर के आसपास जो भी स्थान उपलब्ध हो आपको वहां स्नान करना चाहिए। इस दिन जितना संभव हो दान पुण्य करके स्थिति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमोनमः। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।